काय म्हणतात आजच्या बातम्या? ते देवा, माधवी माधवी क्या करू मैं इस पेपर वाले का? क्या करूं मतलब, महीना पूरा हो गया है, बिल दे दीजिए। इसे तो मैं एक पैसा नहीं देने वाला। शी? एक शिक्षक होकर दूसरे के पैसे हजम करने की बात करते हो? कमाल है, रोज पेपर पढ़ते हो ना? लेकिन आज नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। का? आज के व्रत रखा है पेपर ना पढ़ने का? व्रत नहीं रखा है माधवी, उस पेपर वाले ने आज फिर से अपने घर पे मराठी पेपर की जगह पंजाबी पेपर डाल दिया है। फिर से? मैं क्या कहती हूँ, आप अभी पंजाबी सीख ही लीजिए। हाँ, और फिर से ऐसी प्रॉब्लम हुई ना तो आप पंजाबी पेपर आराम से पढ़ सकते हो मजे लेकर, हो कि नहीं का? हो का है? काय बोलते हो तुम माधवी? ओ मजाक कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना, अगर सुबह सुबह मुझे पेपर पढ़ने को नहीं मिलता तो मुझे गुस्सा आता है। रविवार के दिन भी शांति नहीं है, कितना बेचैन हो रहे हो, पेपर अदला बदली हुआ होगा। जाइए सोडी भाई के घर जाइए, शायद हमारा मराठी पेपर उनके यहाँ आया होगा, वो लेकर आइए। सकाळ सकाळ मला कामा लावले याने। बाबा एक मिनट। वाव आई, हे बघ, लकी फॅमिली फ्री कु, हो बघा, लकी फैमिली फ्री कूपन, लकी वीडियो गेम की तरफ से आपको लकी कूपन दिया जाए, आपको लकी कंपनी की तरफ से पूरी फैमिली को इंडिया के सबसे बड़े ड्रीम पार्क में फ्री एंट्री मिलेगी। भैया ये ऑफर सिर्फ आज तक सीमित है। चलो ना बाबा चलते, बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा सुनो, लेकिन सोडी फैमिली को, ये उनके पेपर में आया है ना। बाबा हमें कूपन रख ले। कहते एक शिक्षक की बेटी को ऐसे बोलती हो? मेरा मतलब है हम ये कूपन वापस न्यूज़पेपर में रख दे। शाबाश, इसे कहते हैं शिक्षक की बेटी बगितला। चांगला गौरव करते, मैं जाकर ये पेपर बदल के आता हूँ। मिका मिंटे, अगर मराठी पेपर में ये कूपन नहीं आया हो ना तो पंजाबी पेपर खरीद कर लेकर आइए। कहते वो 3 रुपए में पूरी फैमिली को अम्यूजमेंट पार्क में जाने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में। आहत उठे, ये फ्री में कुछ नहीं होता है माधवी। वो क्या नहीं होता है, वो जमाना मार्केटिंग का है, मार्केटिंग के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हम लोग नहीं 2 किलो पापड़ पे छोटी सी अचार की बोतल फ्री देते हैं, तसल्ल से है। बराबर। ओहो ठीक है ठीक है, अगर मराठी पेपर में ये कूपन नहीं निकला ना तो मैं पंजाबी पेपर खरीद कर लेके आऊंगा। ठीक है, शाबाश शाबाश। पार्क में कितना मजा आएगा ना। पापा जी। मम्मी दरवाजा खोलो। ओए पुत्र, तेरी मम्मी ना आ रही है। तो पापा तब तक डोरबेल बजाने वाला चला ले जाएगा। ओए पुत्र, उसके जाने से पहले तेरा प्यो जाके दरवाजा खोल देगा। वेरी गुड पापा। ओ बिरू तू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिरू अंकल। गुड मॉर्निंग गोगी सिंह जी। गुरुचरण सिंह गोगी उसका घर का नाम। हाँ भाई वही। हाँ तो गोगी सोड़ी, ये रहा तुम्हारा पंजाबी पेपर। ब्लू, और ट्यूशन के साथ साथ तूने ये काम भी शुरू कर दिया। क्या बेकार जोक मार रहा है यार। अभी अंकल, मैं आपको बढ़िया सा जोक सुनाऊं? ओए होए बोलिए, बता सुना सुना। एक दिन चंगू और मंगू जंगल में जा रहे थे, सामने आया शेर। मंगू ने शेर की आंखों में मिट्टी डाल दी और बोला कि चंगू भाग। तो चंगू ने कहा मैं क्यों भागू, शेर की आंखों में मिट्टी तो तूने डाली है। क्या बात है गोगी बता। और एक सुनाओ। नहीं 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 नहीं, पोट भर लो माजे। अच्छा ये रहा तुम्हारा पेपर, पर मेरा मराठी पेपर तुम्हारे घर पे आया है क्या? पता नहीं यार। अब ब्लू वैसे भी तुझे पता है ना, और मेरे रोशन और मेरे गोगी पुत्र के लिए मेरे को प्यार करने में वैसे ही टाइम कम पड़ता है, तो फिर मैं पेपर पढ़ने में टाइम क्यों बिगाड़ूं? तो पेपर मंगवाता क्यों है भाई? वो ये गैराज पे पढ़ने के लिए। ओए गोगी पुत्र, फटाफट चेक कर वो जो पेपर आया वो कौन सा पेपर। पापा लगता है भीड़ अंकल का ही पेपर है। या भीड़ अंकल, थैंक यू। अरे हाँ सोड़ी, तुम्हारे पेपर में से लकी फैमिली फ्री कूपन निकला है। हा? इंडिया का सबसे बड़ा थीम पार्क है ना, वहां पे तुम्हारे फैमिली को फ्री एंट्री मिली है। ओ तेरी,
ओए होए, सबसे बड़े थीम पार्क का कूपन हमारे लिए वो भी लकी फ्री एंट्री है। गोगी पुत्तर बल्ला आ गया। अरे फ्री कूपन तो मुझे भी मिला है। हाँ सुड़ी, अच्छा तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, नहा लो, मैं खुशखबरी माधुरी और सोनू को सुनाता हूँ। ओ पिडू, ओ मैं और गोगी पुत्र नहा ले, इसमें क्या खुशखबरी है जो तू जाके माधुरी भाभी और सोनू पुत्र को सुनाएगा? ओ हम तो रोज नहाते हैं। कमाल है पिडू, और छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशखबरियां ढूंढ लेता है। बल्ले बल्ले बल्ले। पापा ड्रीम पार्क में जाएंगे। आई और कितनी देर पापा कभी आएंगे? आज आएंगे ना बेटा। सोनू, हमारे पेपर में भी लकी कूपन आया है। अच्छा माधुरी, मैं सोसाइटी में जाकर सभी को पूछता हूँ कि किसके घर में लकी कूपन आया है, और अगर सबके घर पे आया होगा तो हम लोग साथ मिलके जाके एंजॉय करेंगे ना। यहाँ से वहाँ घूम क्यों रहा है? शांति से बैठ जा। पप्पू जी, अभी तक सोसाइटी में कुछ हलचल क्यों नहीं हुई? तू बैठ जा, हलचल हो जाएगी, बैठ जा। सोड़ी, अगर ये कूपन सबको मिला होगा तो मजा आ जाएगा। बहुत मजा आ जाएगा। अरे आतिफ भाई, आतिफ रा, ओ जेठालाल, ओ जेठाबड़ा। सोड़ी, तू उन्हीं को क्यों बुला रहा है जिनको मैं बुला रहा हूँ? तू बाकी सबको बुला ना। हाँ हाँ। और मैंने साहब, चाचा जी, पप्पू, अय्यर अय्यर अय्यर, ओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। पप्पू जी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। भीड़े सबको सोसाइटी कंपाउंड में बुला रहा है, मतलब सबके घर पे कूपन पहुंच गए। टप्पू के पापा, मैं बालकनी में जाकर भीड़े भाई को कह दूं हम लोग नहीं आ सकते। अरे तू ऐसे सामने से कहने जाएगी तो सबको हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चल जाएगा। सॉरी। योगदान। तो चलो, अभी हमारे प्लान के मुताबिक मैं दुकान जाने के लिए निकल रहा हूँ। आप सबको पता है ना क्या करना है? हाँ। तो मैं चलता हूँ बापूजी। हाँ। दया, याद रहे, जब तक भीड़े कूपन के बारे में ना बोले, तुम्हें कूपन के बारे में कुछ पता नहीं है। पता है। अरे पता नहीं है मतलब मुझे पता है कि मुझे पता नहीं है। अरे भाई, हमें भी कूपन आया है, इंडिया के सबसे बेस्ट थीम पार्क के पूरी फैमिली के लिए एब्सोल्युटली फ्री कूपन। डन डन। हाँ, और ये ऑफर सिर्फ आज के दिन के लिए है। ओ यानी कि थीम पार्क जाने के लिए सभी को कूपन मिल गया है। बल्ला बल्ला बल्ला। लेकिन मुझे तो कूपन मिला ही नहीं। अरे भाई अब्दुल, ये कूपन अखबार में आया इसलिए तुझे नहीं मिले, क्योंकि तेरा और अखबार का क्या लेना देना है? अरे मेहता साहब, मेरा तो है ना लेना देना अखबार के साथ, मेरे तूफान एक्सप्रेस में भी कूपन नहीं आया है। ओ तो तेरा और फैमिली का क्या लेना देना पोपटलाल? फैमिली कूपन है ये। हंसने की बात नहीं है मेहता साहब, वो कूपन डालने वाले को ये बात पता है कि मेरी फैमिली नहीं है। आप भी कमाल करते हैं। अरे छोड़ो पोपट लाल, तुम मेरे साथ चल रहा, तुम मेरी फैमिली के मेंबर हो बस। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। और अब्दुल, तुम हमारी फैमिली के साथ आ जाना, और दुकान से कुछ नाश्ते पानी के लिए ले लेना। अरे पर जेठालाल एंड फैमिली कहाँ है भाई? हाँ दया भाभी, जेठा भाई कोई भी नहीं दिख रहे। जेठालाल, उनको वो फैमिली फ्री कूपन तो मिला होगा ना? अरे मिला होगा ना, हम सबको मिला है तो। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि उनको फैमिली कूपन मिल गया है और वो लोग पार्क के लिए निकल गए। क्या बात कर रहा है अब्दुल, तू भी अपना जेठा भरा ऐसा नहीं है, वो यारों का यार है, वो सब अभी पूरी फैमिली ऊपर तैयार हो रही होगी। मैं क्या कहता हूँ, अभी सबको कूपन मिल गए है तो मेहता साहब, मेरे ख्याल से हमें मिनी बस करनी चाहिए। नहीं, गुड, सब साथ चलेंगे तो मजा आएगा। यस, गुड आइडिया। पिडू क्या मस्त आइडिया है यार। और मैं अभी जेरी के फादर को बोल देता हूँ मिनी बस के लिए। जेरी का फादर? वो जेरी का फादर यानी मेरा दोस्त बलविंदर सिंह। इनडायरेक्टली
हाँ बोल दे और जरा उसको बोलना भाड़े का भी जरा देख लेना। वो भाड़ा छोड़ना यार। छोड़ना मतलब भाड़ा नहीं लेगा? अरे भाड़ा तो लेगा पर बहुत काम लेगा, यारों का यार है। और जरी के फादर और गोगी का फादर बोल रहा हूँ, हस्बैंड ऑफ रोशन बोल रहा हूँ, ये भी बता दो। वो कहता है भाई ओए अपने को एक मिनी बस चाहिए, वो पंजाब नहीं जाना है, और मिनी बस में मैंने अकेले भी नहीं जाना है। तू सवाल बहुत करता है, ओए काम कर फटाफट। नहीं 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 15 मिनट में नहीं भाई, आधे घंटे के अंदर आई हो। क्या है ना यहाँ की लेडीज है वो भी तो तैयार होंगी ना। आजा आजा चंगा सत श्री अकाल। अरे हाँ तो जल्दी हम भी फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ। तो भी हमारे कूपन का क्या करें, फाड़ डालें? बबीता शांति रखो। ये जेठा लाल बेमली का अब तक कोई पता नहीं चला कि उनको कूपन मिला भी है कि नहीं मिला है। पर टप्पू को तो बताना पड़ेगा कि बस आ रही है। हाँ। हाँ। टप्पू, टप्पू, दया भाभी, और जेठा ब्रो, और बस आ रही है, जल्दी तैयार हो के आ जाओ। भाई वो तो आ जाएगा तैयार होके, हम लोग तो तैयार हो जाते हैं। और पिडू आज का संडे तो मास निकलेगा, सब एक बार मिलके जाएंगे थीम पार्क। चलो 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 चलो। अरे सुनो सुनो सुनो, देखिए मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ पाएगा। अरे क्यों? अरे क्या यार भाई, तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं आ पाएगा? मुझे पता ही था ये ईयर पार्टी की खुशी के गुब्बारे में पनौती की पिन मर गई। अरे क्या हुआ? देखो ना भाई जेठालाल, ये ईयर भाई थीम पार्क में आने से मना कर रहे हैं। पर अय्यर ये तो बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं जाना है? मैं दादा क्या है, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम लोग एक रॉकेट बना रहे हैं दिवाली के लिए। कोई बात नहीं अय्यर भाई, पर बबीता जी आप तो आ रही है ना? अंजलि भाभी अय्यर नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आ रही। अरे ये अय्यरड़ी हर बार मुझे नल रही है, इस अय्यर को तो यहाँ से उठाकर सीधा थम पार्क में फेंकना चाहिए। कहीं इसे मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया, झूठ बोल रहा है या सच में मीटिंग है? क्या अय्यर भाई आप भी, हर बार आपकी वजह से बेचारे बबीता जी को अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ता है। भाई जेठालाल ये अय्यर भाई बहुत नसीब वाले हैं कि उनको बबीता जी जैसी पत्नी मिली है। पता नहीं मेरा ऐसा वक्त कब आएगा। अरे ये शुरू हो गए। अरे अय्यर यार देखो ना यार, तुम्हारी वजह से बबीता जी भी नहीं चल पा रही है, तो गलत बात है ना यार। चलो यार क्या करते हो ऐसे, चलो चलो प्लीज। मैं दादा अगर जो इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना तो मैं जरूर आता। मेहता साहब अगर जरूरी काम है अय्यर भाई को तो फोर्स नहीं कर सकते ना। लेकिन जेठा भाई आप तो तैयार हो जाइए। तो मैं तो तैयार ही हूँ। तैयार हूँ मतलब इन कपड़ों में थीम पार्क में चलोगे? नहीं मैं ऐसे कपड़ों में दुकान चलूंगा। दुकान मतलब तुम थीम पार्क में नहीं चल रहे हो? नहीं। क्यों? एक मिनट जेठा भाई, आपके घर के न्यूज़पेपर में वो फैमिली लकी कूपन नहीं आई? लकी कूपन? हाँ। एक मिनट, अरे बापूजी। बापूजी आपको बुला रहे हैं। बापूजी। हाँ बोलिए। बापूजी हमारे पेपर में कोई लकी कूपन निकला है? नहीं। अरे चाचा जी वो अखबार में ध्यान से देखा, ऐसा कूपन था, देखो ऐसा। अरे भाई आधे घंटे से पेपर ही पढ़ रहा हूँ, कोई कूपन नहीं आया। कोई कूपन नहीं आया? फिर तो जयडालाल तुम अनलकी हो। एक पेपर में लकी कूपन नहीं निकला तो मैं अनलकी? अय्यर भाई आप भी कुछ भी बोलते हो। बबीता जी क्या है? अय्यर ओके ओके। जयडालाल तुम सच में नहीं जा रहे हो? नहीं भाई कूपन ही नहीं है तो कैसे जा सकते हैं हम लोग। अरे कोई बात नहीं जेठालाल, मायूस नहीं होते,
तुम्हारे पास लकी कूपन नहीं आया तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ चलो। वैसे ये तो सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन तुम भी तुम्हारी फैमिली के साथ हमारे साथ आओ। तुम्हारे पूरे फैमिली का टिकट का खर्चा सोसाइटी के फंड से होगा, क्यों भाइयों, ठीक है ना? हां मंजूर है फिर। ए भाई भिड़े, क्या फालतू बात कर रहा है तू? मैं क्या अपने टिकट का खर्चा नहीं निकाल सकता जो सोसाइटी के फंड की जरूरत पड़ेगी? तो फिर? अरे भाई, मुझे कूपन मिला होता तो भी मैं नहीं आ सकता। क्यों, ऐसा क्या हुआ जेठालाल? अरे मेहता साहब, वो दो दिन से बापूजी के टेंशन में मैं दुकान नहीं जा पाया, तो दुकान का काम भी थोड़ा बाकी है। और मेन बात, वो एक पार्टी के बारगांव से आ रही है, बहुत बड़ी डील है, इसीलिए आज संडे होने के बावजूद मैं दुकान जा रहा हूँ। एकदम करेक्ट है जेठालाल, काम पहले। हेलो, अरे हाँ बाप, हाँ हाँ नटू काका, मैं पार्टी के पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ हाँ, सब आप लोग जाइए ना, हम लोग बाद में फिर कभी साथ में जाएंगे। अरे नहीं यार जेठालाल, देखो तुम नहीं आओगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ डबरा, फिर मैं भी कैंसिल करता हूँ, मैं भी नहीं जाता फिर। अरे मेहता साहब, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ आऊं, लेकिन वो पार्टी क्या बेचारे खास नागपुर से आ रही है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना उनको वापस भेजना, मीटिंग कैंसिल करना। हेलो, हाँ चक्रवर्ती बोलो, क्या मीटिंग कैंसिल हो गई? ओके ओके, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बबीता, मीटिंग कैंसिल हो गई, अब हम लोग भी आ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, अय्यर भाई, अब देखो मैं कैसे देता हूँ सबको पार्टी। किसी लुटुई रियासत के राजा को फिर से उसका ताज मिल जाए, कैसी खुशी होती है। या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये नोटिस आ जाए कि आपको टैक्स नहीं भरना है, रिफंड आ गया आपके लिए, वैसी ही खुशी गड़ा परिवार को इस वक्त हुई है। भाई जेठालाल की फिल्म तो फ्लॉप होते होते हिट हो गई है, लेकिन जेठालाल का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन मिशन अभी कामयाब नहीं हुआ है। भाई जेठालाल की किस्मत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी किस्मत की पतंग ऐसी है कि पेच लड़ने के पहले ही कट जाती है। अब देखना यह है कि ये प्लान क्या कामयाब होगा, क्या किस्मत जेठालाल का साथ देगी। भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता कि किस्मत आपका साथ देगी, हंसने के लिए, हंसाने के लिए। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए और सोचिए अगले एपिसोड में क्या होता है, क्या ये मिशन कामयाब होता है गड़ा परिवार का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.